नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम आलोक पर। मित्रों, हम आपको बता रहे हैं कि सपनों के अर्थ क्या होते हैं। आगे कुछ बताएं उससे पहले आपसे अनुरोध है, हमें सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि हम आपको इसी प्रकार से रोचक सामग्री देते रहें। आप हमें लाइक कर रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, सपने तो बहुत एक अजूबा भी लगते हैं और दिमाग का खेल भी होते हैं, साथ में आपके आने वाले भविष्य की ये कभी कभी झलक भी दिखाते हैं। आपके साथ क्या होने वाला है ये आपको कभी कभी संकेत भी करते हैं, बस आवश्यकता इसे समझने की। पर आपको पता है सपने घंटों लंबे हो सकते हैं और एक नींद से जुड़ी बीमारी, उसमें तो काफी सपने आ जाते हैं, वह स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम। सोती हुई राजकुमारी की कहानी याद है ना, ये 12 से 14 साल के बच्चों में होता है, घंटों सो सकते हैं वो, घंटों। आप हैरान होइए अगर आपका बच्चा भी ऐसा ही कर रहा है। बच्चा आप ये समझ लो 20-20 घंटे 22-22 घंटे आराम से सो सकता है, तो ये कहलाता है स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम। इसमें कोई आपको भय की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ समय के लिए कभी कभी हो जाता है, सब में नहीं होता, लेकिन अगर हो गया है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऐसे बच्चे ऐसी गहरी नींद सोए होते हैं, आज में नगाड़े बज रहे हो, कुछ हो रहा हो, वो उठते नहीं, तो झकझोर के ना उठाइए, सोने दीजिए उन्हें। आगे आने वाले भविष्य में उन्हें ही हमारे देश को बनाना है, कुछ बनना है। चलिए आज के स्वप्न संकेत हम आपको बताते हैं। सपने में आप देखते हैं आप किसी टीले पर या किसी पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तो ये बहुत मस्त सपना है, बहुत मस्त। ये समझिए सारी चीजें मिलने वाली है, आनंद भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, आपके अधिकार भी बढ़ेंगे, बहुत अच्छे सपनों में गिना जाता है। मीनार पर चढ़ रहे हैं आप, सपना ये देखते हैं तो ये भी अच्छा, धन मिलने वाला है, फेम मिलने वाली है। अगर आप पॉलिटिक्स की लाइन में हैं, राजनीति में आप हैं और आप देखते हैं अपने आप को पेड़ पे चढ़ते हुए, खास तौर से नेता की वर्दी में यानी नेता जैसे कपड़े पहने हुए, तो इसका मतलब राजनीति में आप काफी आगे बढ़ जाएंगे। सपने में चांद देखना ये भी एक अच्छा संकेत है, ये बताता है कि आप अगर किसी रोग से ग्रस्त हैं तो उससे मुक्ति मिलने के दिन आ गए हैं। लेकिन चांद चमकता हुआ होना चाहिए, पीला चांद या बिल्कुल फीका चांद, निस्तेज चांद यदि आपको दिखाई पड़ता है, इसका मतलब आपको बिल्कुल भयानक कष्ट मिलने वाले हैं। फिर वो उल्टा मतलब है उसका, पूरा चांद चमकता हुआ गोल आपको दिखाई पड़ता है तो धन संपत्ति मिलने वाली, वो भी अच्छा संकेत है। लेकिन चांद दिखाई पड़ता है सपने, बादलों ने उसे ढक रखा है, बादलों के पीछे छुपा हुआ दिख रहा है, तो फिर ठीक नहीं है। इसका मतलब कि आपका प्यार सफल नहीं होगा, उसमें बाधाएं आएंगी। चमड़े की नई चप्पलें आपने पहन रखी है, सपने में दिखता है, तो क्या आप इसको समझते हैं? इसका मतलब कई तरह के सुख आपको एक साथ मिलेंगे, पैसा नहीं, कई तरह के सुख आपको एक साथ मिलेंगे। चप्पल खरीदना, चप्पल खरीदते हुए आप सपने में खुद को देखते हैं, इसका मतलब कोई घर में नई वस्तु आने वाली, चाहे वो फ्रिज हो, अलमारी हो, टीवी हो या नया बेड हो, कुछ नया और बड़ा जो सबकी नजर में आए वो आने वाला है। चप्पल खो दे ये सपना दिखाई पड़े तो बहुत संभल कर, इसका मतलब आपका जो चालाक दुश्मन है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये सपना आपको बताता है। आप उससे पहले बच सकते हैं, सावधान रह के बच सकते हैं, और हमारे चैनल को इसी प्रकार से देखते रहिए। नाम है ओम आलोक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।